जिन्होंने आग के ऊपर किला काटा था। देखें जी आंटी यहाँ पे न्याज पैक कर रही हैं। ये सिर्फ मेरी तरफ से नहीं है, जो ये है वो मच जैसा मेरा बच्चा शाह चंचरा खूते लाल शामी आखे। हमारा ग्रुप जा रहा है जो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी फाइजा डार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू फाइजा डार व्लॉग। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने एक काम स्टार्ट किया था कि जुमेरात के जुमेरात हम लोग न्याज भी तकसीम करेंगे लोगों में, और एक दरबार या कोई भी रिलीजियस प्लेस जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। आज जिस दरबार में हम जा रहे हैं वो है शाह चंचरा, बन्नी वाली साइड पे है। बन्नी कह सकते हैं उसे, किले के अंदर भी कह सकते हैं। जो लोग पिंडी में रहते हैं उनको पता होगा, ये रावलपिंडी का बहुत ही मशहूर दरबार है जो कि 300-400 साल पुराना है। और जो शाह चंचराग सरकार हैं, ये इनके जो वालिद और वालिदा हैं उनका मज़ार जो है वो सैयद कसरा में है। तो सरकार जो है वो सैयद कसरा से आए थे, और ये वाहिद फुकरा हैं जिन्होंने आग के ऊपर चिला काटा था। और अभी मैं जब दरबार जाऊंगी बाकी की डिटेल्स आपको वहां जाकर दूंगी। इमाम बारगाह है, मस्जिद है जहां पर नमाज़ पढ़ी जाती है, जुलजना जहां पर रखा हुआ है वो जगह आप लोगों को दिखाऊंगी। और वहाँ दरबार पर अलम है, और कहते हैं वहाँ पे अगर 7 जुमेरातें कोई भी मन्नत मानी जाए और अलम के नीचे दिए जलाए जाएं तो वो आपकी मन्नत ज़रूर पूरी होती है। अभी मैं आपको जाके वो अलम की भी ज़ियारत करवाऊँगी, उससे पहले आप सबको बताते हैं कि आज न्याज के मेन्यू में क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम या अली मदर। पीर मौला अली मदर। तो मामा ये बताएं आज न्याज में आपने क्या बनाया है? आज न्याज में हमने बनाया है जर्दा। वाओ, जो आंटी ने काटा है ऊपर गार्निश करने के लिए ड्राई फ्रूट, वो एंड पे डालेंगे या इसी में मिक्स कर देंगे? अच्छा अच्छा, वाओ कैसा बना? न्याज की चीज हो तो अच्छी बनी होगी, पूछने की जरूरत तो नहीं आपको मेरे से। अच्छा, और उसके साथ है चने वाले चावल। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इनको पैक कर रही हैं मामा। सबसे पहले ये निकाल रही हैं न्याज के लिए, और फिर बाकी लोगों के लिए इन शॉपिंग बैग्स में पैक करेंगे। और पैक करने के बाद हम लोग जाएंगे रास्ते में ये न्याज बांटते हुए दरबार शाह चंचराग। और ये जो शाह चंचराग सरकार हैं ये बरीमाम सरकार के दौर के हैं, और उनके कज़न भी हैं। बाकी की इन्फॉर्मेशन और डिटेल अब जल्दी से निकलते हैं और वहाँ जाके देंगे आपको। उससे पहले घर में ख़त्म दिलाएंगे, हदीसे के साथ पढ़ेंगे और मौला अली का मौजा पढ़ेंगे। हम पहले ख़त्म के लिए टेबल में रखते हैं ताकि हम घर में ख़त्म दिला दें, हदीसे के साथ पढ़ लें, फिर दरबार जाएंगे। दरबार में बहुत रश होती है, अभी मैं जाके आप सबको दिखाऊंगी। दरबार शाह चंचराग में नॉर्मली डेज में भी बहुत रश होती है, तो आज तो जुमेरात है तो आज वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होगी। वहाँ पर जाके भी मैं आपको जितनी चीज़ें दिखा सकी दिखाऊँगी। ये देखें जी आंटी यहाँ पे न्याज पैक कर रही हैं माशाल्लाह, और उधर अम्मी परांठे बना रही हैं। चलें जी अब निकलते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के दरबार की तरफ। ओ ओ, मोमो पहले भी गई हुई है दरबार? मैं गई हुई हूँ लेकिन मुझे याद नहीं है रास्ता, मैं गई हुई। लेकर चलते हैं मोमो को, मेरे साथ तो फर्स्ट टाइम जा रही है ना। वैसे हमारे जो इमाम बारगाह है वहाँ मोमो नूरी आती है चेलम पर न्याजें शाजें खाती थी, लेकिन दरबार शाह चंचराग हम दोनों फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। ये है दरबार शाह चंचराग गलियां, और ये वो दुकान है जहाँ से हम लेते हैं तेल और रुई वगैरह, और ये मेन डोर है जहाँ से हम एंटर होंगे। और ये है दरबार शाह चंचराग। देख रहे हैं आप जुमेरात को यहाँ पर कितनी ज़्यादा रश होती है। सबसे पहले ये जो अलम है यहाँ पर हम लगाते हैं चरागा, दुआएं मांगते हैं। जी ये दिए मैंने लगा लिए हैं, और ये सिर्फ मेरी तरफ से नहीं है, जो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब की तरफ से ये दिए जला के मैं मौला गाजी के अलम के नीचे रखने लगी हूँ। जय
इतनी बड़ी बड़ी बोतलें दे आपको और इसको मच कहते हैं। ये है वो मच जहाँ पर शाहजहाँ चिराग सरकार ने जो है चिल्ला काटा। जुमेरात है, बहुत ज़्यादा रश है जिसकी वजह से मैं अंदर नहीं जा सकती, तो मैंने हजर को बुलाया। हजर को मैं मोबाइल दूंगी कि वो अंदर जाए और आप लोगों के लिए अंदर से वीडियो बना के ले आए, क्योंकि अंदर काफ़ी मर्द है ना, तो वहाँ पर मैं अंदर नहीं जा सकती। कैसा मेरा बच्चा? या आप मोबाइल लेना और अंदर से वीडियो बना के लानी, ठीक है? और ये दरबार की बैक साइड का एरिया है, वहाँ पे लेडीज होती हैं अंदर, वो वहाँ से जो है फातिहा वगैरह पढ़ती हैं। ये देखिए इतना पुराना दरख्त है, और ये देखिए इस दरख्त की जड़ें शाखें सॉरी कहाँ कहाँ तक जा रही हैं। और ये कब्रिस्तान है, वो चाय की न्याज बन रही है वो वहाँ पर, और ये सारा कब्रिस्तान है। और सुबह सुबह यहाँ पे इतना खूबसूरत मंज़र होता है ना, ये जितने भी कबूतर हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ वो रूम जहाँ पे सारे कबूतर होते हैं, सुबह सुबह यहाँ सारे कबूतर फैले हुए होते हैं। और ये शाहजी हैं यार, मतलब शुक्र अल्लाह का। ये है कमरा, यहाँ पर जुलझना होती है, इस टाइम नहीं है होती, मैं आपको दिखाती। और ये उकाब बादशाह की यहाँ पर तस्वीर लगी हुई है, और ये बाहर का दरवाज़ा है, यहाँ से आते हैं हम लोग अक्सर जब मजलिस होती है ना तो यहाँ से आते हैं। वैसे मेन डोर वो था, ये बैक डोर है। और ये जो है सैयद सखी मौज़म अली शाह कलंदर झलारी वाले जो हैं, ये उनकी चिला गाह है। अभी आपको अंदर लेकर चलते हैं। मोहम्मद वाली मोहम्मद शलीला मोहम्मद वाली मोहम्मद। اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد। आप भी पहली दफा आई हो और यहाँ पर मैं भी आज अंदर पहली दफा लाल शावे आखे मौसम ने आखे इमाम बरी आखे शाह चंचराख ते लाल शावे आखे मौसम ने आखे इमाम बरी आखे जैन शाह ने आखे ने आखिया जमान शाह सतार शाह भी आखिया हक दी आवाज भी आखिया शबाज भी हक दी आवाज भी आखिया शबाज भी कुल वलियां दा अफसर है अली मौला। बोलो 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 अली लाल कलंदर मा हैदर। बोलो 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 सखी शाह चंचराग कलंदर नारे हैदरी या अली मोहम्मद। जो इस वीडियो को देख रहा है मौला सबकी दिली मुरादें पूरी हों। मेरी दुआ है कि आज इस दर से कोई भी खाली ना जाए, मेरी सब के लिए, सब बेटे बेटियों के लिए, जो जो हमें लाइक करते हैं, जो जो हमें देखते हैं, मेरे मौला सब बच्चे बच्चियों की और बाहर वालों की सब की दिली मुरादें पूरी फरमाना। आमीन 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 आमीन।
और ये देखें ये है कबूतरों का कमरा, ये सब कबूतर सुबह सुबह यहाँ पे बाहर निकले हुए होते हैं, अभी अंदर हैं। पकड़ूं? आए पकड़े नहीं जा रहे। जी तो दरबार की ज्यारत कर ली और आप सबको करवा भी दी। अब मैं आई हूँ मुशैदी हाउस ताहिर शाह जी के घर। यहाँ पर हम दस्तखाने इमाम हुसैन अली सलाम पढ़ेंगे और फिर जाएंगे घर। शाह मर्दा शेरे यजदा कुवते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार कुशा की बेटी मदद आके कीजिए हाजत रवा की बेटी मदद आके कीजिए दरवा की बेटी मदद आके कीजिए मेरे हुसैन का मैं देती हूँ वास्ता हाजत रवा की बेटी मदद अल्हम्दुलिल्लाह न्याज डिस्ट्रीब्यूट भी हो गई, आप लोगों को दरबार की ज्यारत भी करा दी। उसके बाद हम गए थे ताहिर शाह जी के घर, वहाँ पर हम लोगों ने हज़रत इमाम हुसैन का मौजा पढ़ा और मौजे के साथ साथ वहाँ पर जो है मीटिंग भी थी। मीटिंग इस सिलसिले में थी कि आशूर पर करबला इराक हमारा ग्रुप जा रहा है जो कि हर साल जाता है, और अगर आप सब में कोई इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड फैमिलीज़ अगर हैं तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ दिनों के बाद बस मेरा पैकेज जो है वो रेडी हो रहा है, कुछ दिनों के बाद जो है वो ब्रोशर्स बन जाएंगे। जब ब्रोशर्स बनेंगे तो मैं इंस्टाग्राम पर वो अपलोड कर दूंगी। आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर उस ब्रोशर पर अगर आप मुझे इनबॉक्स करते हैं तो मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगी, लेकिन वो लोग कांटेक्ट करें जो इंटरेस्टेड हैं और जिन लोगों ने जाना है। फिर भी मैं आपको व्लॉग में भी बता देती हूँ, जो आशूर पे हम लोगों का ग्रुप जा रहा है मेरा और हम लोग हर साल जो है ताहिर शाह जी की वाइफ और मैं हम दोनों मिलकर जो है वो ज़ियारात के ग्रुप्स लेकर जाते हैं। और आशूर पर जो हमारा ग्रुप जा रहा है वो पैकेज है $1300 है, ठीक है। उसमें वीज़ा टिकट ट्रांसपोर्ट मील अकोमोडेशन ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ इंक्लूडेड है उसमें, सही है। तो डिटेल मैंने आपको बता दी है कि उसमें हर चीज़ इंक्लूड है और ये ट्रिप होगा 12 to 14 days का ये ट्रिप होगा। और जो भी इंटरेस्टेड है वो मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकता है। मुझे आगे भी ब्रोशर्स पर मैसेज आए थे लेकिन देखिए मैं हर किसी का रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ क्योंकि एक दो लोग हैं जिनके मैंने रिप्लाई किए थे और वो साफ पता लग जाता है कि कौन बंदा इंटरेस्टेड है और कौन बंदा इंटरेस्टेड नहीं है। तो मेरा जब ब्रोशर आ जाए तो उसके बाद वही लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करें जो लोग इंटरेस्टेड हैं। $1300 ये पैकेज है, 12-14 days का है, इराक आशूरा का जुलाई में जो जा रहा है हमारा ग्रुप। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकता है। उससे पहले बड़ी ईद से पहले मेरा ग्रुप जाएगा लाहौर की ज़ियारात पे, जिसमें लाहौर की सारी ज़ियारात होंगी और फिर वापसी पर पिंडी भटियां की ज़ियारात होगी। शाहप्यारे से मेरा हर साल जाता है ग्रुप लाहौर की ज़ियारात के लिए, जो बड़ी ईद पे बीबी की जोड़ी की शहादत है उसके सिलसिले में, तो वो ग्रुप भी मेरा जाना है। जैसे ही ब्रोशर बनेगा मैं इंस्टाग्राम पर शेयर कर दूंगी। उसमें भी अगर जो फैमिलीज़ इंटरेस्टेड हैं फैमिलीज़ वो मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं, मैं उनका रिप्लाई करूंगी। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने खैर की तो जैसे ही मेरे ब्रोशर्स बन जाते हैं मैं आप सब के साथ शेयर करूंगी, वो आप सबको इंस्टाग्राम पर देखने को मिलेगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो चाहते हैं अपडेट उनको इंस्टाग्राम पर मिलेगी, वो जाएँ और
वेट करें और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, ताकि जैसे ही मेरे जितने भी कोई ग्रुप के ब्रोशर्स बनने होते हैं और जाने होते हैं, वो मैं इंस्टाग्राम पर शेयर करती हूँ। जो मेरे अपने ग्रुप जा रहे होते हैं वो मैं इंस्टाग्राम पर ही शेयर करती हूँ। तो आप लोगों ने जाना हुआ आप मुझसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। और आई होप आप सबको ये आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। और अगर कोई ज़ियारात या कोई ऐसी जगह आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। डू लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़। लव यू ऑल।